बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग डेटाबेस के लेक्चर 21 पार्ट 22 पार्ट 1 को देखेंगे। ये कंटिन्यूटी है हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था लिंक के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी को किस तरह हम लोग ये इम्बेड कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, ताकि हम इजीली मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास डेटा स्टोरेज हैं, जैसे एरेज होगी, लिंक लिस्ट होगी या लिस्ट होगी, उसकी डेटा को किस तरह हम सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरह हम लोग उसमें से कुछ सर्च कर सकते हैं, किस तरह हम लोग डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिंक के अंदर देखी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी देखेंगे कि जी किस तरह डेटाबेस की हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं यूजिंग सी शार्प के ज़रिए। हम माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट डेटाबेस यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जी किस तरह सी शार्प के अंदर कौन कौन से वेज़ हैं कि डेटाबेस को कनेक्टिविटी कर। लेकिन पार्ट वन के अंदर हम लोग सिर्फ ये चीज़ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जी हाउ वी मेक अ डेटाबेस किस तरह क्रिएट किया जाएगा। लेट्स सी के जी हमें वो डेटाबेस बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार ज़रूरत होंगी, आइए देखते हैं। अगर आप लोगों ने सबसे पहले अगर इंस्टॉल किया होगा, अगर हम लोग जाएँ न्यू फोल्डर के अंदर, तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत की हैं। जैसे कि जी अगर आप लोगों ने लोकल डेटाबेस इंस्टॉल नहीं किया जब आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल की होगी, तो आप लोगों को लोकल डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पेश आएगी। अगर तो वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो सिर्फ आप लोगों को एसक्यूएल एक्सप्रेस 64 बिट या 32 बिट आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को फ्रंट एंड प्रोवाइड करेगा। ये एक्चुअली थर्ड पार्टी टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की हुई है इसके अपने वेबसाइट के ऊपर, और ये वेबसाइट जो सी है ये इजीली आप लोगों को डाउनलोड करवा देती है। जब आप लोग एसक्यूएल एक्सप्रेस जिस टाइम आप लोग इंस्टॉल करेंगे, तो क्या होगा कि जी आपके पास एक फ्रंट एंड आ जाएगा जिसके अंदर आप डेटाबेस बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि जी वो फ्रंट एंड क्या है। ये आप लोगों के पास आ गया जी डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, मैंने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर 2012 मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल की हुई है, जो कि मैंने डाउनलोड की थी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर। ये यहाँ पर आपने सर्वर नेम लिखना है, क्योंकि इस टाइम लोकल है, और लोकल के होने के साथ साथ एसक्यूएल एक्सप्रेस उसका नाम था जो मैंने जिस टाइम मैंने इंस्टॉल किया था, तो उस टाइम इसको प्रोवाइड किया गया था। डार से मुराद आपका सिस्टम का नेम है, जैसे मेरे पास इसका है होम, तो मैंने यहाँ पर होम लिख दिया। अगर आप यहाँ पर डार प्रेस कर देंगे, तो ये लोकल होस्ट के ज़रिए आपको इसको एक्सेस करने की अथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अथेंटिकेशन, अगर तो आप लोगों ने एसक्यूएल अथेंटिकेशन का कोई पासवर्ड रखा हुआ है, तो इसके ज़रिए आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि जी विंडो अथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये आप लोगों को प्रोवाइड करेगा कि जी विंडो अथेंटिकेशन के ज़रिए जो आप लोग अपने यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करते हैं सिस्टम को लॉगिन करने के लिए, ये वाली विंडो अथेंटिकेशन है। ये देखते हैं कि जी अगर हम इसको कनेक्ट करें तो क्या होगा। ये हमारे पास आ गया जी डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे यहाँ पर डेटाबेसेस बने हुए हैं। हम क्या करते हैं कि जी सबसे पहले एक डेटाबेस बनाते हैं जिसको हम लोगों ने सी शार्प के अंदर इंक्लूड करना होगा। अगर यहाँ पर राइट क्लिक करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जी न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस को अगर हम लोग ये करें, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसमें हमसे सबसे पहले पूछेगा कि जी आपने डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ जी स्टूडेंट अंडरस्कोर DB5। मैंने यहाँ पर DB5 के नाम से एक फोल्डर डेटाबेस बना दिया।
अब डेटाबेस बनाने के बाद सबसे पहले क्या है कि जी ये इसकी स्टोरेज और लोकेशंस वगैरह आप लोगों ने सेट करनी है, लेकिन क्या है कि इसको हम लोग फर्दर डिटेल नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन करंटली हम लोग ये देखते हैं कि जी किस तरह डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ओके तो एग्जीक्यूटिंग कर रहा है और यहाँ पर हमारे लिए एक डेटाबेस फाइल बना दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जी टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, डायग्राम्स वगैरह हैं। तो हम लोग सबसे व्यूज़ और टेबल्स की में हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क होता है। हम ये चीज़ देखेंगे कि जी व्यूज़ क्या हैं और टेबल्स क्या है ना। यहाँ पर टेबल्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जी एक टेबल्स क्रिएट करेंगे डेटाबेस जिसके अंदर हम अपना स्टोर करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि जी एक डेटाबेस बना दिया। यहाँ पर डेटाबेस बनाते हैं, यहाँ पर आपका वो कॉलम्स आएंगे जो कि वहाँ पर डेटाबेस के अंदर, जैसे कि जी आईडी हो गया, नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जी एक आईडी बनाते हैं और इसकी डेटा टाइप इंटीजर रख देते हैं, और अगर अलाउ नल करेंगे तो जैसे ही जब आप चाहते हैं कि जी ये सेव हो और ये नल वैल्यू इसके पास जा सके तो आप अलाउ नल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी वो नल ना हो, ऑलवेज कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हो, ठीक है, तो आप इसको अनचेक कर दें। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जी नेम, छोटा टेबल बना रहे हैं, इसकी डाटा टाइप रख देते हैं जी वार कार 50 रख देते हैं जी, अलाउ नल इसको भी चेक कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि इसके बाद हम लोग यहाँ पर एड्रेस इंट्री कर दी, इसकी भी वार कार, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, इसकी 50 है तो आप यहाँ पर 250 भी रख सकते हैं, और ये 250 आ गया, अलाउ नल, इट्स ओके। अगर आप चाहते हैं कि जी आपकी आईटी जो सी है यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट हो, ऑटो इंक्रीमेंट अगर करना है तो आप कॉलम्स की प्रॉपर्टीज में से जाएंगे। कॉलम की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आइडेंटिफाई स्पेसिफिकेशन इसमें जाएं तो यहाँ पर इसको यस कर दें, तो ये क्या करेगा कि ऑटो इंक्रीमेंट करता जाएगा, आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहेगा। लेकिन करंटली हमारा पर्पस ये नहीं है, तो लिहाजा हम लोग क्या करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट को ऑफ करते हैं और इसको डेटाबेस को सेव करने कंट्रोल एस प्रेस करें तो आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर आपने डेटाबेस का नाम चूज़ करना है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ TBL _ इन्फो, ये हम लोगों ने डेटाबेस का नाम रख दिया, स्टूडेंट इन्फो रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, ओके किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर अगर हम टेबल्स में जाएँ, रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि जी कोई डाटा एंटर करना चाहते हैं तो एड अ टॉप 200 रोज, ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखें जी आईडी, यहाँ पर आपने लिखना है जी नेम, और यहाँ पर एड्रेस, जैसे कि जी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी CIIT, ठीक है, इसी तरह ही हम लोग डेटाबेस के। अब ये इसका फ्रंट एंड है जहाँ से आप लोग डेटाबेस इंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि पर्पस ज़रा डिफरेंट है, लिहाजा इस वजह से हम लोग इसका फ्रंट एंड C# के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के लेक्चर को इधर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमने डेटाबेस बनाया था इसको किस तरह हम लोग C# के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग किस तरह इसका डाटा वहाँ से उसके ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 में देखेंगे कि जी इसको किस तरह कनेक्टिविटी की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम।